हेलो फ्रेंड फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे प्लम्बिंग से जुड़ी हुई 5 ऐसी किस्म की टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी बहुत काम आएगी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टिप नंबर वन ये है दोस्तों कि अगर आप भी इस तरह से फिटिंग करते हैं तो आपको अपने फिटिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इसलिए दोस्तों कि आपका पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब तक आपका प्रेशर ठीक होता है, लेकिन जैसे आपका पानी नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, वहाँ पर आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको आपके सारे कनेक्शन ऊपर से घुमाने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने सारे कनेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ घुमाए हैं, इससे मेरा प्रेशर सारा भी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से मेरा पानी का जो डायरेक्शन है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ रखा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब टिप नंबर दो की तरफ। टिप नंबर दो ये है दोस्तों कि अगर आप अपने बाथरूम में सीलिंग शावर लगा रहे हो तो आपको अपने शावर को छत से टच कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पीओपी का मार्जिन ले लीजिए कि पीओपी छत से कितने नीचे आ रहा है, 1.5 फीट, 2 फीट, जितना भी नीचे आ रहा हो आप उसे उतनी नीचे से टर्न करा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके शावर का जो पानी है उसका ट्रेवल टाइम कम होगा, इससे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। नंबर 3 है दोस्तों कि आप अपने बाथरूम में एल्बो यूज़ करते हो पाइप को टर्न करने के लिए। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि जितना हो सके आप एल्बोज़ का यूज़ कम करें, जहाँ तक पॉसिबल हो आप 45 डिग्री के जो एल्बोज़ है उसका यूज़ करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है ना टर्न कम लगेंगे, और लगते भी तो 45 डिग्री के एंगल से प्रेशर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों जितना एल्बो से पड़ता है। तो आप अगर एल्बोज़ की जगह 45 डिग्री का एल्बोज़ यूज़ करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर भी आपका प्रेशर बढ़ेगा। और सेम प्रोसेस आपको यही सीवरेज लाइन में भी करना है। आपको एल्बोज की जगह 45 डिग्री का एल्बो और टी की जगह वाइट यूज़ करना है दोस्तों, जिससे आपका जो डैमेज का जो होता है जो दोस्तों चौकअप वाला सीन वो नहीं होगा दोस्तों। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका पाइपलाइन जो है वो चौक नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आ जाइए अब टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 ये है दोस्तों कि जब भी आप बाथरूम में काम स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप टाइल का लेवल लेकर ही काम शुरू करना। इससे आप बेनिफिट ये दोस्तों कि अगर आपका टाइल का लेवल 2 इंच ऊपर या फिर नीचे होगा तो आपका जो हाइट होता है बॉडी जेट का या फिर WC का, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आप जब भी आप काम स्टार्ट करो बिना टाइल के लेवल के काम स्टार्ट मत करो। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 ये दोस्तों कि आपको अपने बाथरूम में एक्सटेंशन निपल का यूज़ जितना हो सके उतना कम करना है दोस्तों। ये होता क्या है कि एक्सटेंशन निपल दोस्तों ज़्यादा जो अपने कॉक होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा टाइट करने पर फट जाते हैं, और फ्लॉन्च लगने के कारण वो बाहर दिखते हैं लेकिन अंदर से वो लीकेज होने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके एक्सटेंशन निपल का यूज़ कम करें। फिटिंग के दौरान आप अपने ब्रास एल्बोस को दीवार से 1/2 इंच बाहर रखें, जिससे आपका ब्रास एल्बो और आपका जो फिनिश फ्लोर आएगा टाइल का वो 1/2 इंच अंदर होगा, जिससे आपको एक्सटेंशन निपल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी टिप्स कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों।